हेलो दोस्तों, मैं हूं गजाल अंसारी और आप देख रहे हैं आज तक भारत। दिल्ली में 25 मई को लोकसभा के लिए 7 सीटों पर वोटिंग होनी है, लेकिन इस बीच स्वाति मालीवाल मारपीट मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है। स्वाति मालीवाल के मामले को लेकर हर रोज नए नए बयान सामने आ रहे हैं। इस मामले में स्वाति मालीवाल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं पॉलीग्राफी और नार्को टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ, तो वहीं अब उनके पूर्व पति नवीन जयहिंद का इस पर बयान सामने आया है। नवीन जयहिंद ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के माता पिता से नहीं बल्कि खुद सीएम केजरीवाल से ही पूछताछ की जानी चाहिए। उन्होंने दिल्ली के सीएम पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्वाति पर हुए इस हमले के मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल हैं, उनका लाइव नार्को टेस्ट होने चाहिए। वो एक तरफ निष्पक्ष की जांच की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपने पीए विभव कुमार की गिरफ्तारी करने के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए नवीन जयहिंद ने कहा कि मैं चाहता हूं कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इस पूरे मामले की जांच हो। मुझे ये इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि मैं स्वाति के साथ 10 साल रहा हूँ और अगर स्वाति झूठ बोल रही हैं तो उसे भी जेल में डाल दें। नवीन जयहिंद ने इससे पहले भी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाए थे, तब उन्होंने कहा था कि स्वाति की जान खतरे में है। जयहिंद ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि दिल्ली का सीएम निवास वास्तव में गटर हाउस है, स्वाति मालीवाल के साथ हुई घटना खतरनाक है, सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए क्योंकि ये उनके घर पर हुआ था। जयहिंद ने कहा था कि इस मामले में गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस और महिला आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। पूर्व आप नेता ने कहा कि अगर स्वाति मालीवाल उनसे मदद मांगती हैं तो वो जरूर उनकी मदद करेंगे। नवीन जयहिंद केवल यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने आगे इस बात का भी खुलासा किया कि ये सारा झगड़ा किस बात को लेकर हुआ है, पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। इस पर बोलते हुए नवीन जयहिंद ने कहा कि संजय सिंह भी कहते थे कि एक ही परिवार की पार्टी है और अब सीएम अरविंद केजरीवाल ने जेल जाने के बाद पार्टी की कमान अपनी पत्नी को सौंप दी है। संजय सिंह और आतिशी खुद सीएम बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि आतिशी और संजय सिंह ने पूरा का पूरा खेल शुरू किया है। नवीन जयहिंद ने आगे कहा कि पार्टी दो फाड़ होने की कगार पर है, केजरीवाल के परिवार ने पार्टी पर कब्जा कर लिया है। सुनीता केजरीवाल को कमान दिए जाने के बाद ये लोग नाराज हो गए हैं। फिलहाल इस मामले में आगे क्या कुछ होता है देखने वाली बात होगी। इस खबर में इतना ही। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।